छठ पूजा के मौके पर केवल बिहार जाने वाले ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की ओर जाने वाली जो भी ट्रेनें हैं वो ठसाठस भरी हुई हैं। ये जो ट्रेन है ये पनवेल महाराष्ट्र से गोरखपुर जा रही है। तस्वीर देख सकते हैं, भीतर जो यात्री बैठे हुए हैं किसी तरीके से अंदर घुस पाए हैं कोच में। भारी भीड़ है, गेट तक जो है सारे यात्री खड़े हैं, मजबूरी है, और पूरा सफ़र इनको रातों रात का यहीं से करना है। क्या नाम है आपका? सुभाष। हमको जाना बढ़नी परमेल से। कल चले हैं 2 बजे बैठे कल्याण से, 4 बजे कुछ 4 बज के कुछ मिनट वहाँ से छुट्टी परमेल से, 5 बज के 10 मिनट कल्याण से फिर छुट्टी है। हाँ अभी जो छोड़े 8-9-10 बजे। पूरी रात ऐसे ही काट दी। जगह है सुबह बैठने? जगह नहीं, जो भी है यही है। अब कैसे भी कह के काट कट रहा है रात, जगह तो काट रहा है। बाढ़ फिर उसके बाद में बढ़ नहीं उतर के अपने अपने तो सब व्यवस्था कह के जाएंगे। अभी छठ पूजा का भीड़ है, कुछ दिवाली का बाद जाने वाले हैं कुछ, और आधा तो ज़्यादा छठ पूजा वाले हैं, ये दोनों चल रहे हैं बराबर। कैसा आपका मौका है? बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों में पहुँचते हैं, तो ये जो दिक्कत हो रही है आपको, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम गुड्डू कुशवाहा है जी, गोरखपुर पनवेल से जी। खड़े खड़े आ रहे हैं हम लोग पूरी रात, बैठने की जगह नहीं है। पूरी रात खड़े खड़े चले हैं, आपका हाल क्या है? वही हाल हमारा भी है पूरे। कमलेश तिवारी, हम लोग जी आ रहे हैं सिद्धार्थनगर। हाँ, हम लोग लिए पनवेल से, कल 3:50 से निकले, बहुत भीड़ है, खड़े खड़े आ रहे हैं। हाँ, छठ पूजा की भीड़ है। सरकार नहीं व्यवस्था कर सकते, तो सरकार की जान मर्जी है, तो हम लोग क्या कर सकते। सरकार से मांग करते लेकिन सरकार देती नहीं। सरकार से मांग करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। हर साल यही आलम होता है, यही तस्वीर होती है, बस तारीख बदलती है। ठीक कह रहा हूँ? क्या नाम है आपका? सलमान। कहाँ जा रहे हैं? बस्ती। बस्ती। इतना भीड़ है इस ट्रेन में, कैसे आप खिड़की में झाँक रहे हैं? आधा तो शरीर आपका खिड़की में लटक रहा है। क्या करें, जाना पड़ेगा। रमेश ठाकुर। कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर। हाँ हाँ, हम लोग 4 आदमी है, हम लोग 3 आदमी है। वो परवेल से बैग सर पे लटक रहा, खड़े भी नहीं हो पाते होंगे आप तो। चलिए क्या करा जाए, यही तो मजबूरी है, हो नहीं रही है। अभी तो उसमें लैट्रिन बाथरूम में पानी भी नहीं है इसमें, जब से गाड़ी चला वहाँ से पानी भी नहीं है इसमें। क्या हाल होंगे, पानी तक नहीं है ट्रेन में, कितनी दूर से आदमी चला हुआ है, और कितनी समस्या परेशानी यहाँ इन लोगों को हो रही है कि बैठना उठना खड़ा होना मुश्किल है यहाँ पर। कहाँ जा रहे हैं? तुलसीपुर। तुलसीपुर पनवेल। त्योहार की भीड़ है ये खूब? बहुत है, बहुत है। जगह तो मिल नहीं रही, खड़े हम लोग ऐसे आए हैं परमेल से, जैसे हैं परमेल से ऐसे आए हैं, बैठे बैठे पायदान पे बैठे बैठे परमेल से, खाली गेट बंद किए हैं और इसी बैठ गए इधर भी अंदर बैठ गए। शाम को टाइम 8 बजे हम लोग बंद कर दिए थे। अरे अंदर पानी वानी तक नहीं है, शौचालय नहीं है? पानी नहीं है सर, सब बंद है शौचालय। मैं भी परमेल से आया हूँ। जाना कहाँ? जाना है वहाँ बढ़नी। बढ़नी जी, गोरखपुर जी जी जी। ये अभी दिवाली का छुट्टी में हम लोग जा रहे हैं जी। हाँ जी, जगह नहीं, बहुत भीड़ है, आप अंदर भी देख सकते हैं। कम हो गया अभी, कुछ लोग उतरे नहीं तो इससे भी बुरा था, सब लोग खड़ा होके आए हैं। इतने बुरे हालात में भी कुछ गुंजाइश इनको दिख रही है, कुछ भीड़ कम हुई है, तब ये भीड़ है सामने जो आप देख रहे हैं। और पनवेल महाराष्ट्र से पूरी रात काट करके लखनऊ पहुँचे हुए हैं, स्थिति देख सकते हैं। चारों ओर जो कोच हैं जनरल के, वहाँ भारी भीड़ भरी हुई है। हालात ये हैं कि जो भीतर टॉयलेट बने हुए हैं, वॉशरूम बने हुए हैं, उनमें पानी तक नहीं है, तो ये लोगों का किस तरह से जो सफ़र है वो कितना कष्टदायी है उसको देख करके समझा जा सकता है। देखिए, इन्होंने गेट पे ही ये बांध रखा है जिससे गिर ना जाए नीचे। क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव सर। मुन्ना भाई कहाँ जा रहे हैं? सर जा रहा है गोरखपुर। गोरखपुर जी। गोरखपुर से पनवेल से चली है ट्रेन, ऐसे ही बांध के चले हैं जी? सर जगह जगह नहीं था सर, क्या करें सर, गिर ना जाए नीचे। सोचिए कितनी समस्या है कि नीचे गिर ना जाए, उसके लिए ये एक तरीके से जो चादर है उसको बांध रखा है। हर साल ऐसी भीड़ चलती है, यात्री चलता है, ट्रेनें कोच नहीं बढ़ते हैं, क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे सर? ट्रेन अप्रोच नहीं बढ़ता है, धीरे-धीरे चलती रहती है, क्या होना चाहिए? होना चाहिए ट्रेन आगे की, कम से कम सेफ्टी तो रहे सबके लिए, और ट्रेन की मात्रा बढ़ाई जाए, मतलब की गाड़ी बढ़ाई जाए उसमें। कहना चाह रहे हैं आप? आगे आइए। थोड़ा गाड़ी बढ़ाया जाए, और दोनों बाथरूम एकदम गंदा है, पूरा पानी से भरा हुआ है, बाथरूम जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। दुश्वारियां भरी हुई हैं, गाड़ी चल चुकी है, पनवेल से चली है, गोरखपुर जाएगी, पूरी रात ये ट्रेन चली है, और भीतर बैठे जो पैसेंजर हैं उनके हालात देख सकते हैं, किस तरह से गेट तक बैठ करके इनको यात्रा करनी पड़ रही। तो ये दुश्वारियां हैं भारतीय रेल की, और दीपावली में इसी तरह की दावे बड़े, कई ट्रेनें चलाई गई हैं, कोच उड़ाई गए हैं, लेकिन असल स्थिति धरातल क्या है वो साफ तौर पर यहाँ देखी जा सकती है, कि इन्हीं कोच में यात्री बोरे की तरह, सामान की तरह भरे हुए हैं। बहुत परेशानी है, बहुत समस्या है, लेकिन त्यौहार है और ऐसे मौके पर अपने घर पहुंचना भी ज़रूरी है। तो इस तरह की स्थितियों के बीच में ये जो यात्री हैं वो अपने अपने घर, अपने अपने गांव जाने को मजबूर हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।